से डिटरमिन कर रहे हैं द स्ट्रेंथ ऑफ सिल्वर आयंस इन अ गिवन सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट यूजिंग क्लोराइड आयंस। इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहां पे ये वेट मशीन है, इसमें एक पहले वॉच ग्लास का वेट ले लेते हैं। मान लीजिए ये W1 है, वेट कर लेते हैं। इसके बाद इसको ले जाके इसको इसमें डिसॉल्व कर लेंगे। फिर इसमें HCl डाल के या बेरियम क्लोराइड डाल के इसको प्रेसिपिटेट कराते हैं। ये देखिए व्हाइट प्रेसिपिटेट बन चुका है। ये बहुत ही अच्छा प्रेसिपिटेट आया है। इसको हम लोग फिर अब फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के लिए ये आपका फिल्टर पेपर है, इसको 4 फोल्ड करके 3 भाग एक साइड और 1 भाग एक साइड ले आते हैं और इसके बाद इसको हम लोग फिर हम लोग ऐसे करके फिल्टर कर लेंगे। देखिए सारा प्रेसिपिटेट आ चुका है, ये पूरा प्रेसिपिटेट दिखाई पड़ रहा है, HCl का प्रेसिपिटेट है। इसमें रिएक्शन क्या हुआ? रिएक्शन हुआ बेरियम क्लोराइड प्लस HgNO3 इक्वल टू HCl। ये पूरा प्रेसिपिटेट देखिए यहां पे बन गया है। ये सारा प्रेसिपिटेट को आप निकाल सकते हैं, आप इस पूरे प्रेसिपिटेट को निकाल लीजिए। ये वाश कर रही हूं ताकि पूरा प्रेसिपिटेट इसमें से इसमें आ जाए और लास्ट में फिर हम लोग उस प्रेसिपिटेट को वेट कर लेंगे। अब ये प्रेसिपिटेट आपका ये है, नीचे में जो आपके ये फिल्ट्रेट है और इसमें प्रेसिपिटेट है, इसको आप निकाल लीजिए और निकालने के बाद ये पूरे मटेरियल को इसमें ऐसे डाल के ड्राई कर लीजिए। इसको फोल्ड को खोल दीजिए और ये देखिए आपका प्रेसिपिटेट आ गया, ये आपका प्रेसिपिटेट बन गया। प्रेसिपिटेट पर से प्रेस कीजिए, ड्राई हो जाएगा। ड्राई करने के बाद और भी चाहते हैं तो और भी ड्राई कर सकते हैं आप, छोड़ दीजिएगा एटमॉस्फेयर में तो और भी ड्राई हो जाएगा। अभी इसके बाद इसको मैं वेट कर लेती हूं। इसको हम लोग एक्चुअली जनरल प्रोसेस में डेसिकेटर में डालते हैं वो थोड़ा ड्राई होने के लिए, और जब अगर ऐसे गर्मी है तो आप एटमॉस्फेयर में भी इसको इवेपोरेट कर सकते हैं और फिर जब सूख जाएगा तो उसका वेट ले लेंगे। अभी टाइम की कमी से मैं थोड़ा इसी कंडीशन में वेट कर ले रही हूँ। ये मेरा वेट आ रहा है 17.12। मान लीजिए और आप ड्राई करने के लिए छोड़िएगा तो 1-2 ग्राम और कम होगा, तो मेरा W3 जो आया ये W3 आ रहा है 17.12। 2 ग्राम मान लीजिए मैं वाटर मॉइस्चर मानती हूँ तो मैं 15.12 W3 वेट है। अब इस वेट से W3 माइनस W2 जब मैं करूंगी तब वेट ऑफ प्रेसिपिटेट निकल जाएगा।
डब्ल्यू थ्री माइनस डब्ल्यू वन, डब्ल्यू थ्री माइनस डब्ल्यू वन इक्वल टू वेट ऑफ प्रेसिपिटेट एंड डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू वन इज द वेट ऑफ बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। अब इससे हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। डिटरमिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सिल्वर आयंस इन अ गिवन सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट यूजिंग क्लोराइड आयन। इस एक्सपेरिमेंट में ये ग्रेविमेट्रिक एक्सपेरिमेंट है जिसमें कि हम लोग सिल्वर नाइट्रेट और बेरियम क्लोराइड यूज करके उसका प्रेसिपिटेशन करवाते हैं और फिर कैलकुलेशन करते हैं। अब सिल्वर नाइट्रेट रिएक्शन क्या है, सिल्वर नाइट्रेट प्लस बेरियम क्लोराइड इक्वल टू HgCl प्लस बेरियम नाइट्रेट। HgCl का व्हाइट पीपीटी आता है, यहाँ पे Ag प्लस Cl माइनस इक्वल टू HgCl व्हाइट पीपीटी बन रहा है। अब इसमें जब कैलकुलेशन करते हैं तो हम देखते हैं कि AgNO3 जो है वन मोल इज इक्विवेलेंट टू वन मोल सिल्वर इज इक्विवेलेंट टू वन मोल सिल्वर क्लोराइड। मतलब एक मोल सिल्वर नाइट्रेट जो है वो एक मोल सिल्वर देगा और वन मोल सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर क्लोराइड देगा। अब हम वेट वाइज अगर जाते हैं तो 170 पार्ट्स बाय वेट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज इक्विवेलेंट टू 108 पार्ट्स मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सिल्वर बाय वेट इज इक्विवेलेंट टू 143.5 पार्ट्स बाय वेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड। एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तो वेट ऑफ पॉसिबल मान लीजिए डब्ल्यू वन इक्वल टू 19.95 आए, वेट ऑफ HgCl इक्वल टू डब्ल्यू टू इक्वल टू 20.214 ग्राम, देन वेट ऑफ HgCl प्रेसिपिटेट का फ्रॉम 20 ml ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू कितना होगा, डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू वन इक्वल टू 20.214 माइनस 19.95 इक्वल टू 0.264 ग्राम। देयरफॉर वेट ऑफ HgCl पीपीटी ऑब्टेन फ्रॉम 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, 20 ml से इतना मिला, इतना ग्राम मिला, तो 1000 ml से कितना मिलेगा, तो w बाई 20 इंटू 1000 इक्वल टू 50 W। ठीक है, एज वी नो जो इक्वेशन वहां पे बता रहा है उसके हिसाब से 143.5 ग्राम ऑफ HgCl कंटेन सिल्वर 108 ग्राम जो कि यहाँ पे है, 143 में 108 है, तो 1 ग्राम सिल्वर क्लोराइड कंटेन्स 108 बाई 143.5, देयरफॉर 50 W कंटेन्स 108 बाई 143.5 इंटू डब्ल्यू इंटू 50। मीन्स अमाउंट ऑफ सिल्वर पर लीटर ऑफ सोल्यूशन कितना होगा, सेम 50 W बाई दिस पर लीटर, यहाँ पे भी कैलकुलेट वही किए हैं। अब मॉलिकुलर वेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर वेट ऑफ सिल्वर इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ सिल्वर क्लोराइड डिवाइडेड बाई स्ट्रेंथ ऑफ सिल्वर। तो मॉलिकुलर वेट 143 है सिल्वर क्लोराइड का और मॉलिकुलर वेट सिल्वर का 108 है इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ सिल्वर क्लोराइड 50 W है डिवाइडेड बाई स्ट्रेंथ ऑफ सिल्वर, तो स्ट्रेंथ ऑफ सिल्वर यहाँ से निकल जाएगा 108 इंटू 50 W डिवाइडेड बाई 143.5 ग्राम पर लीटर। अब W जो है वो हमारा निकाला हुआ है, निकला है हमें 0.264, यहाँ पे उसका वेट उसका हम लोग वैल्यू रख लेंगे, वो कैलकुलेट करके निकल गया 9.934 ग्राम। मीन्स एक पर लीटर सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट में 9.934 ग्राम सिल्वर।